सती मैया की काशी विश्वनाथ की दर्शन राम कथा परमात्मा का नाम इसी भाव के साथ बने रहिए मेरे साथ और आइए आज की कथा में प्रवेश करें। उससे पहले दो बार हरिनाम संकीर्तन बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। संतों ने गाया हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, तो जीना क्या। जीवन में अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या। इस संसार में भगवान के नाम के बिना सब विष के समान है।
इसलिए सबको छोड़ दो, रखना क्या है? हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। हो अभी तालियां बजा के भाव के साथ, जीवन पूरा व्यतीत तो होता जाता है संचय करने में धन संपत्ति, लेकिन जीवन की वास्तविकता भूषण से सब अंग सजावे, आभूषण से सब अंग सजावे। कहने हाथ वाला अलग, नाक वाला अलग, कान वाला अलग, पैर वाला अलग, सोने के आभूषण। लेकिन याद रखना, अंतिम समय आएगा तो छोटी बहू आएगी एक हाथ का ले जाएगी, बड़ी बहू आएगी दूसरे हाथ का ले जाएगी, साथ में क्या जाएगा? जिभ्या का आभूषण। और जिभ्या का आभूषण क्या है? परमात्मा का नाम। इसलिए अंतिम दो लाइनों में लिखा, भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नयावे, रसना पर हरि नाम नयावे, देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, राजा प्रथु। श्रीमद् भागवत में बड़ा प्यारा चरित्र आया है उनका। मन में संकल्प था 100 यज्ञ करूंगा, इतने में संत ने कह दिया आप संकल्प छोड़ दो क्योंकि इंद्र भयभीत है। इंद्र को भय है कि यदि 100 यज्ञ पूरे हो गए तो मेरा इंद्राशन चला जाएगा। परमात्मा 100 यज्ञ पूर्ण होने पर ये दर्शन नहीं देते, परमात्मा भाव की शुद्धता पर दर्शन देते हैं। राजा प्रथु ने 99 यज्ञ किए, संकल्प छोड़ दिया। मन में विश्वास है कि परमात्मा मुझे दर्शन देंगे। 99 यज्ञ पूर्ण होने के बाद जैसे ही परमात्मा का सच्चे मन से ध्यान किया, चतुर्भुज नारायण स्वरूप यज्ञ मंडप में प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। राजा प्रथु शीलवान थे,
कैसे राजा थे बोले प्रजा के हित के लिए उन्होंने पूरी पृथ्वी को समतल कर दिया था। जब समतल पूरी पृथ्वी हुई तब प्रजा को अन्न मिला। प्रजा के हित के लिए उन्होंने पूरी पृथ्वी को समतल कर दिया था। आज से पहले उनसे पहले पुर हुआ करते थे, नगर हुआ करते थे, लेकिन जब से राजा पृथु ने पृथ्वी को समतल किया तभी से पुर, नगर और बंटवारा प्रारंभ हुआ। पहले लोग जहां मनाया करता था वहीं रहते थे, जहां पर बैठ गए वहीं रहना शुरू हो गया, लेकिन जब से राजा पृथु ने ये लीला की, पृथ्वी को समतल किया अपने धनुष की नोक से, उसी दिन से संपूर्ण प्रजा में बंटवारा शुरू हुआ। पुर बने, नगर बने, गांव बने, कस्बे बने। 99 यज्ञ पूर्ण होने के बाद परमात्मा प्रसन्न हुए। परमात्मा ने कहा राजा पृथु, हम तुम्हारे शील से, तुम्हारे अनुष्ठान से, तुम्हारे तपस्या से बड़े प्रसन्न हुए हैं, मांगो, तुम्हें मांगना क्या है। राजा पृथु हाथ जोड़ करके खड़े थे, भगवान मेरी बात को बस आप पूरी कर देना, मैं मांगना क्या चाहता हूं, मुझे एक वर तो ये दे दो कि मुझे 10,000 कान मिल जाए। परमात्मा ने कहा 10,000 कान क्यों? बोले ये दो कान है ना, इनसे भी तृप्ति नहीं होती। वो जानते थे, बोले जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, कथा नहीं सुनी तो सांप के बिल के समान है। राजा पृथु कितने मांग रहे, बोले 10,000 कान। परमात्मा ने सोचा यदि 10,000 कान दूंगा तो शरीर में एक भी जगह ऐसी नहीं बचेगी जहां कान ना हो, इसलिए सरकार ने लीला की, उन्हीं दोनों कानों में 10,000 कानों की जो शक्ति है, सामर्थ है, वो प्रदान कर दी। और ये भक्त वत्सल भगवान ने की। दूसरा वरदान मांगा राजा पृथु ने, एक वरदान मांगा इस लोक के लिए और दूसरा वरदान मांगा परलोक के लिए। बोले आपके जब चरणों में आएंगे तो सरकार दूसरा वरदान ये दे दो कि आपके चरणों की सेवा मिल जाए। आज ही पक्की बात कर जाओ। क्यों? बोले जब बैकुंठ धाम में आऊंगा तो वहां पर लक्ष्मी मैया आपके चरणों की सेवा करती है, और जब दो सेवक हो जाएंगे तो फिर झगड़ा होगा, इसलिए आज ही बात पक्की कर जाओ कि आप मुझे चरणों की सेवा दोगे। इस प्रकार राजा पृथु ने अपना ये लोक भी सुधारा और दूसरा लोक भी सुधारा। कहने का भाव, भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे, देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, हीरा और नगीना क्या हरि नाम तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। बोलिए भक्त वत्सल भगवान, ये सभी अपने चित्त को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। बड़ी मंगलमयी कथाएं चल रही हैं सरकार की, दर्शन करें रामचंद्र जी की, भगवान की दयालुता और कृपालुता का। प्रकट क्यों हुए हैं? बोले विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज यवता। विप्र थैन सुर संत, सुर यानी कि देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए। परमात्मा ने किस अवतार में आकर देवताओं की कार्य सिद्धि की? परमात्मा के हुए हैं 24 अवतार, 23 हो चुके हैं, 24वां होगा कल की अवतार। मानस कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंता, श्रीमद् भागवत में मिले 24 अवतार, उन्हीं में से एक अवतार है वामन अवतार। बड़ा प्यारा प्रसंग है,
इसमें आपके जीवन में क्या उपयोगी बात है उसको आप समझिएगा। परमात्मा प्रकट हुए कहां? बोले अदिति के यहां। जब जब भक्तों पर कष्ट पड़ा तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मानना टलते देखा। परमात्मा आए 52 अंगुल के हैं सिर्फ, और आज आए क्यों हैं? देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए। आज सबने कुछ ना कुछ दिया। बृहस्पति ने छत्र दिया, जैसे ही 52 प्रभु प्रकट हुए बृहस्पति ने छत्र दिया। उमा देवी आई, उन्होंने भिक्षा पात्र दिया, और आज किसी ने कोपीन पहनाई, किसी ने माला दी। जैसे ही उमा देवी ने भिक्षा पात्र दिया तो भिक्षा पात्र लेकर के जा रही है 52 भगवान राजा बलि के यहाँ। जैसे ही राजा बलि के यहाँ जाने लगे तो आप सभी जानते हो ये बड़ा ही छलिया है, छलने के लिए जा रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, पामन भगवान की। लीला पुरुषोत्तम राम जी हमारे सीधे हैं, सरल हैं, लेकिन जब बात सीधे ढंग से ना हो तो थोड़ा सा घुमा करके समझाना चाहिए, और यही सब लोग समझा रहे हैं। तो आइए आप उस तक पहुंचने का प्रयास करें। 52 भगवान भिक्षा पात्र लेकर के जा रहे हैं राजा बलि के यहाँ। राजा बलि यज्ञ कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है। आज प्रातः काल का समय है। 52 प्रभु का जैसे ही आगमन हुआ, राजा बलि और शुक्राचार्य बैठे हुए हैं। राजा बलि कहता है, गुरुदेव आज तो ऐसा लग रहा है कि मेरे यज्ञ में साक्षात सूर्य भगवान आ गए हैं। शुक्राचार्य जी बैठे हैं सान। शुक्राचार्य जी ने कहा, राजा बलि तुम तो यज्ञ करो, जो भी होंगे आते रहेंगे। राजा बलि के सामने आज 52 प्रभु देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आ रहे हैं। 52 प्रभु ने मन में सोचा कि थोड़ा सा दिखावा करना पड़ेगा। क्यों? बोले चमत्कार कोई नमस्कार है, इसलिए थोड़ा सा दिखावा करना पड़ेगा। क्या दिखावा करें? बोले एक हाथ में माला पकड़े हैं और एक हाथ में छतरी है, और छतरी पकड़ करके माला पकड़ करके दोनों आंखों को बंद कर लिए। भजन चल रहा है। राजा बलि आए, प्रणाम किया, इंतजार कर रहे हैं कि इनके नेत्र खुले तब तो हम इनसे कोई बात करें। 52 प्रभु भी आंखें नहीं खोल रहे। देखा भक्त सामने खड़ा है, 10-15 मिनट और माला लंबी लंबी, भजन चल रहा है। देखा बहुत देर हो गई। राजा बलि ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके स्वागत किया। आप आए हैं, मेरे यज्ञ को आपने पवित्र किया है, मेरी इस पावन भूमि को आपने पवित्र किया है, मैं आपका स्वागत करता हूं। हे ब्राह्मण देवता, आप कुछ मांगो, आप दान में जो मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। राजा बलि की तरफ 52 प्रभु ने देखा और तिरछी नजर से कहने लगे, आपका नाम राजा बलि है क्या? राजा बलि ने हाथ जोड़ करके कहा, हाँ मैं ही राजा बलि हूं। बोले तुम्हारे कुल में प्रहलाद भी हुए थे। राजा बलि अब तो और प्रभावित हुआ, ये तो हमारे पूर्वजों का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब ये कोई साधारण नहीं है। और प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ, कहने लगा, प्रभु आप तो कुछ मांगिए, हे ब्राह्मण देवता आप जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। राजा बलि के सामने 52 कहने लगे, हम मांगने वाले थोड़े ही हैं, कौन है हम? बोले हम तो जन्मजात ब्रह्मचारी हैं, भिक्षा मांगने वाले नहीं है। अब तो और आकर्षण बढ़ गया। राजा बलि ने कहा कि लगता है आप अकेले हो इसलिए कुछ नहीं मांगना चाहते, अगर आपकी इच्छा हो तो हम आपके जैसे कन्या देख करके आपका विवाह कर देते हैं। अच्छा, 52 प्रभु ने कहा विवाह कर दोगे फिर रहने की व्यवस्था? बोले रहने की व्यवस्था भी कर देंगे। 52 प्रभु ने कहा जब विवाह होगा तो बच्चे भी होंगे, उनके खाने पीने और पढ़ने की व्यवस्था? राजा बलि ने कहा हमारा विद्यालय है, हम उसमें व्यवस्था कर देंगे।
बामन प्रभु ने कहा जब बाल बच्चे होंगे तो 10-20-50 कितने भी हो सकते हैं। राजा बलि मुस्कुरा करके कहने लगा, हाँ ये तो स्वभाव है, गृहस्थ धर्म है, कितने भी हो सकते हैं। बामन प्रभु ने कहा जब इतने होंगे तो एक आध मरेंगे भी। राजा बलि ने कहा, हाँ ये भी हो सकता है। बामन प्रभु ने कहा जब एक दो मर गए तो फिर रोने वालों की व्यवस्था, रोएगा कौन? बलि ने कहा ये तो जिसके बच्चे मरेंगे वही रोएगा। बामन प्रभु ने कहा ऐसा कार्य करने से क्या फायदा जिसको करने के बाद रोना पड़े, हमें विवाह नहीं करना, हम तो ऐसे ही ठीक है। एक छतरी है, बारिश होती है छाता लगा लेते हैं, प्यास लगती है कमंडलू है और आसनी भी है, बिठा करके भजन करने लगते हैं। हमें ऐसा काम नहीं करना जो रोना पड़े। राजा बलि का तो आकर्षण बढ़ता ही जा रहा, बोले आज से पहले ऐसा दिव्य संत नहीं देखा, हम मांगने के लिए कह रहे और ये कुछ मांग ही नहीं रहे। तो आज एक संत लीला लिखते हैं। जैसे ही बामन प्रभु आए कहने लगे राजा बलि ध्यान से सुनना, हरि अर बन गए आज भी पारी भक्त भर दे तू चोली हमारी, हरि बन गए आज भी पारी भक्त भर दे तू चोली हमारी, तेरे द्वारे पे खड़ा भिखारी भक्त भर दे तू चोली तस्मात् त्वत्तो महीमीशत्
ब्रह्मन किम करवामते पदानि त्रीण दैतेन्द्र सम्मितानि पदामम। श्रीमद् भागवत, ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, अगर देना चाहते हो तो पदानि त्रीण दैतेन्द्र, तीन पग जमीन, और वो भी तुम अपने पैरों से नहीं, मैं स्वयं अपने पैरों से नापूंगा। राजा बलि को हंसी आ गई, बोले छोटे से तो आप हैं बामन अंगुल के, और आप तीन पैर जमीन मांग रही हो, तीन पैर जमीन में तो आपकी आसनी भी नहीं बिछेगी, कुछ और मांग लीजिए। बामन प्रभु कहने लगे, देखो तीन से ना तो साढ़े तीन चाहिए ना पौने तीन, तीन पैर। राजा बलि कह रहे आज से पहले हमने ऐसा संत नहीं देखा, छोटे से संत हो और बड़ी हट है, तीन पैर जमीन। राजा बलि से कहने लगे, देखो देना चाहते हो तो जल्दी आओ और नहीं देना चाहते हो तो मना कर दो। राजा बलि समझ गए मना करने में फायदा नहीं है, ये जो मांग रहे हैं दे दो। अच्छा कैसे लेंगे, बोले संकल्प करो। अब जैसे इस संकल्प की बात आई तो गुरुजी को थोड़ी सी संकट हो गया। गुरुजी कहने लगे अब हमारा चेला लुटने वाला है। बलि को बुलाया, बलि इधर आओ। बोले संकल्प की